1100s के अंदर, जब अभी वेस्ट में इस चीज़ के ऊपर बहुत सोच विचार हो रही थी, और इक्का दुक्का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरह की इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उस टाइम सिर्फ कायरो में 75 मदरसास थे आला तालीम के लिए, दमिश्क में 51 और अलेपो में 44। और क्योंकि उस टाइम स्पेन पे मुसलमानों की हुकूमत थी, तो 100 से ज़्यादा मदरसे स्पेन के अंदर थे उस टाइम। 12th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने तारीख़ दमिश्क लिखी थी, वो 12th सेंचुरी में जब किताबें लिख रहे थे तो उससे पहले वो 80 के करीब ख़वातीन असातिज़ा के स्टूडेंट रह चुके थे। ये मैं 12th सदी की आपको बात बता रहा हूँ। तो उनकी जो असातिज़ा थे उनमें से 80 के करीब ऐसे असातिज़ा थे जो ख़वातीन थी। अब आ जाते हैं हमारे रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स, अक्सर आप सुनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। कोई शक नहीं कि हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उसमें आप लोग किरदार अदा करोगे, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर किरदार, पढ़े लिखे, एक बाशऊर किरदार अपनी सोसाइटी में। लेकिन हमें पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ानी पड़ेगी। अक्सर हमारी ख़वातीन को हक जो है वो वेस्ट दिलवाता है आके। अक्सर हम सुनते हैं पाकिस्तान का तारफ़ करवाया जाता है, अमरीका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, उन्होंने हमारी ख़वातीन को हक़ दिलाना है। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल है, कोई किसी को हक नहीं दिलाता, अपना हक खुद लेना पड़ता है। ये हक आपको खुद लेना पड़ना है, किसी ने नहीं दिलाना।